और लोकतंत्र के त्यौहार चुनाव का आगाज हो चुका है और झारखंड में चौथे चरण में मतदान होंगे। राजधानी रांची में 25 मई को मतदान होंगे और इससे वोटर आईडी कार्ड बनवाया जा रहा है। प्रशासन के द्वारा इसी कड़ी में रांची के महिला कॉलेज में बड़ी उपलब्धि पाई है। पहला कॉलेज है जिसमें 18 वर्ष पूरा कर चुके सभी छात्राओं का वोटर आईडी कार्ड बन गया है और रांची उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने प्रिंसिपल सुप्रिया रंजन को बधाई दी और मौके पर काफी संख्या में विद्यार्थी मौजूद रहे। हम सर के साथ एक सेल्फी भी लेकर किया गया है। ये हमें बहुत खुशी है कि हमारे बच्चों ने भी उत्साह दिखाया और हमारी नोडल ऑफिसर और हमारे फैकल्टी मेंबर्स ने अपना पूरा दम लगाया। ये सारे बच्चों ने आ करके और यहाँ पे ना अपना रजिस्टर करवाया और आज जिले के दो वरिष्ठ पदाधिकारी यहाँ पर आ करके और उनका उत्साहवर्धन करके गए हैं और काफ़ी एंटरटेनिंग तरीके से उसका उत्साहवर्धन हुआ है। तो मुझे आशा है कि ये खुद नहीं जाएंगी, सिर्फ अपने घर वालों को, अपने पास पड़ोस के लोगों को भी ज़रूर लेकर के जाएंगी और हमारा रांची ज़रूर आगे रहेगा मतदान प्रतिशत की जहाँ तक बात है। जी जी, मैं रांची वुमेन कॉलेज के पूरे फैकल्टी को, उनके प्रिंसिपल को, उनके सारे टीचर्स को और ख़ास तौर पे सभी बच्चों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इसके महत्व को समझा और अपने तरफ से ही एक अच्छा कैटलिस्ट दिखलाया। खुद से ही, जब तक खुद कोई मोटिवेटेड या प्रोत्साहित नहीं रहता है तब तक कोई उसके लिए कुछ कर भी नहीं पाता है। तो ये बोथ साइडेड था, उनको उन्होंने पूरी तरीके से प्रयास किया। हमारे BLOs ने भी यहाँ पर आकर काफ़ी मेहनत की, डिस्ट्रिक्ट की पूरी इलेक्शन मशीनरी ने यहाँ पर मेहनत की और यही आगे का प्रयास रहेगा कि जितने भी इस प्रकार के अन्य एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर भी हम लोग 100% इन